हे भारत सरकार, हे दिल्ली सरकार, हे हाई कोर्ट, बम पटाखों का बैन हटाओ और मुझे मुक्ति दिलाओ। लुंगी वाले अगर आपको चाहिए भाई रावण, तो इस तरह के मिल जाएंगे आपको मात्र 650 रुपए के। अंपायर की टोपी वाले रावण भी बना दिए हमारे भैया ने, है ना। अंडरटेकर नाम दे दिया इनका, अंडरटेकर। छोटा वाला चाहिए भाई इस तरह का, देखो आपको ये मिल जाएगा 300-350 रुपए का। भाई 1100 रुपए का आपको रावण ये वाला मिल जाएगा। ये सारे जितने भी है ये सारे 600-600 रुपए के। 40 फुट में रावण आपको देखो इस तरह का मिल जाएगा। पानी की बोतल जैसे रावण आपको चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएंगे 150 रुपए के। ये 400 का, ये 800 रुपए का, और ये वाला अलग है भैया। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनीत ब्लॉग में। तो भाई आज आपका भाई लेकर आ गया आपको टैगोर गार्डन रावण मार्केट। पीछे आप मेरे देख रहे हो भाई, इस तरह से भाई रावण मिलते हैं यहाँ पर। अगर भाई आपको रावण चाहिए, आप बनाते नहीं हो, रेडीमेड लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन से उतर के थोड़ी सी दूरी पर भाई ये मार्केट होती है। यहाँ पर भाई आपको रावण मिल जाते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। जैसे भी भाई रावण मिलेंगे सबका प्राइस बताऊंगा, किन रेटों पे कैसे रावण हमारे को मिलने वाले हैं, क्या उनका प्राइस होने वाला है, तो सब कुछ जानेंगे। अगर आपको यहाँ पर आना है तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो है वही आपका टैगोर गार्डन होगा। वहाँ से उतरने के बाद थोड़ी सी दूरी पर मार्केट होने वाली है। रोड पर ऐसे मार्केट लगती है, है ना। रोड पे भाई इस तरह से रावण आपको देखने को मिल जाएंगे, बड़े छोटे सारे। तो आप यहाँ पर आ सकते हो और रावण ले सकते हो। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे रावण हमारे को मिलते हैं, क्या प्राइस होने वाले हैं, सब कुछ बताऊंगा। तो एंड तक वीडियो में बने रहना। ये देख सकते हो इस तरह के रावण भाई आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। बड़े बड़े रावण आपको चाहिए ऐसे भाई, देखो, है ना। तो कैसे कैसे भाई इनके रेट होने वाले हैं और कितने फुट होते हैं, कितने फुट का हिसाब है, क्या हिसाब है, सब कुछ पता करेंगे। ये देखो, मुझे मुक्ति दिलवाओ, ये लिखा हुआ भाई इस पर, ठीक है। तो मुक्ति तो खैर मिल जाएगी, दशहरा पर ही मिलेगी। और भाई साहब हमारे देखो बना रहे हैं इस तरह से, भाई रावण तैयार करते हैं, ठीक है। ये क्या बना रहे हो अंकल जी, धड़ बना रहे हो? अच्छा, मुंडी बना रहे हो? भाई देखो मुंडी बना रहे हैं, इतनी बड़ी, इतनी सेम यही है जो सामने, ये छोटी है। अच्छा भाई, ये जो आप देख रहे हो भाई ये बड़ी है, लेकिन ये थोड़ी छोटी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे रावण भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। पता करते हैं अंकल जी से, देखते हैं कैसे कैसे भाई रावण कितने फुट के हिसाब से होते हैं, क्या उनका हिसाब होता है, यहाँ पर पता कर लेते हैं, ठीक है। देखो इस तरह के रावण आपको चाहिए ये आपको मिल जाएंगे। भैया कितने दे रहे हो रावण? ये भैया ये वाला 800 रुपये का, 800 रुपये का भाई आपको रावण देखो ये मिल जाएगा, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला, 7 वाला भैया छोटा, चार सौ रुपये का भाई आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये 400 का, ये 800 रुपये का, और ये वाला अलग है भैया। ये कितने का? 600 रुपये का, मतलब 400, 600, 800 ऐसा भाई रेट होने वाला है। बाकी भैया बड़े बड़े जो होते हैं उनका फुट का हिसाब होता है, कैसे होता है? 500 रुपये फुट होता है। अच्छा, 500 रुपये फुट होता है, जितना मर्जी फुट बनवाओ। और अगर कोई 20 फुट बनवाना चाहे तो 5 × 2 = 10,000 का, 10,000 का हो गया ना भाई। 500 रुपये फुट है, अगर 20 फुट आप बनवाते हो तो 10,000 रुपये का है, अगर 50 फुट भी बनवाते हो तो 25,000 रुपये का बना देते हो ना, है बना देते हो भाई, बना देते हैं। बाकी भाई इनके पास रेडीमेड ये रखे हुए हैं, है ना, इस तरह के आपको चाहिए। भैया ये कितने फुट बनता है ये वाला? 40 फुट है, 40 फुट में रावण आपको देखो इस तरह का मिल जाएगा। भैया कितने का होता है ये 40 फुट का? वही 5×20,000 रुपये, 20,000 रुपये का पड़ेगा, ठीक है भाई, 20,000 रुपये का है, ठीक है। इस तरह का भाई बड़ा रावण आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, 40 फुट ऊपर तक जाएगा ये। अच्छा ये देखो, ये देखो भाई, जैसे मैंने आपको पहले पढ़वाया था ना, ऐसे इसमें भी डायलॉग लिखे हुए हैं। हे भारत सरकार, हे दिल्ली सरकार, हे हाई कोर्ट, बम पटाखों का बैन हटाओ और मुझे मुक्ति दिलाओ। क्या बात है भाई साहब, रावण कह रहा है कि भाई मुझे मुक्ति चाहिए, है ना, हमेशा हर साल की तरह। कितने का भी है ये वाला? ये भी 40 फुट है, हाँ सेम ही लग रहा है, 40 फुट है ये भाई, ये भी, ठीक है, 20,000 का मिल जाएगा, ठीक है। ये भी 20 का है, ये भी 20 का है, अगर कोई लिखवाना चाहे तो लिख जाएगा, हाँ लिख दोगे ना भाई? लिख देंगे, मूंछों के ऊपर डायलॉग आपको लिखवाने हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, अगर नहीं लिखवाने तो ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपको देखो ये भी मिल जाएगा। ये कितने का है भैया? ये छोटा लग रहा है मेरे को, सेम है। अच्छा 40 फुट है ये भी, 40 फुट है भाई ये की, बाकी बना रहे हैं। अच्छा फेस स्ट्रक्चर अलग है, बाकी भाई देखो डिज़ाइन आप देख सकते हो, वो ब्लू कलर थोड़ा अलग लग रहा है, ये थोड़ा पिंक में है, ये थोड़ा भाई ये येलो ग्रीन में है, है ना। फेस स्ट्रक्चर जो है अलग अलग आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो रेट है वो 500 रुपये फुट होता है और 40 फुट का मैक्सिमम कितने फुट जाता है भैया बनाते हो आप? जितना बनवाना चाहो, 50। हाँ हाँ,
ये देखो भाई, ये होल्डिंग देख सकते हो, मैंने आपको पिछले साल भी मैं आया था तो ये होल्डिंग मैंने आपको दिखाया था और हमारे अंकल जी को भी दिखाया था, वो हमारे अंकल जी बैठे हैं, पिछले 40-45 वर्ष से ये काम कर रहे हैं, ठीक है, रावण बना रहे हैं और आप लोगों के लिए। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हो भाई। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था और पहला दशहरा जब आया तो राम मंदिर के निर्माण के बाद जब पहला दशहरा आया था तो रावण यहीं से गए थे, है ना, यहीं से गए थे। तो बहुत पुरानी दुकान है हमारे अंकल जी की और बहुत लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से रावण लेने के लिए और बनवाते भी हैं, है ना भैया। इसमें रेट कम करते हो आप? सही रेट बताया, ठीक है जी। बाकी और चलते हैं, ये सारे अपने ही है क्या भैया? जहाँ तक देख रहे हैं सारे अपने। और देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जैसे हाथ ये बनाते हैं भाई, मुंडी अलग बनाई जाती है, हाथ अलग बनाए जाते हैं इस तरह से, है ना, पैर अलग बनाए जाते हैं। तो ऐसे भाई इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, 40 फुट 30 फुट ऐसे भाई होते हैं, ये देखो, है ना, रावण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कहते यही है भाई कि दिवाली से 20 दिन पहले रावण का दशहरा आता है और रावण को भाई फूंकते हैं, जलाते हैं, और इसलिए जलाते हैं क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं और ये बात सच है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, तो इसलिए रावण का वध करके जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो 20 दिन लगे थे उनको पहुंचने में, तो 20 दिन बाद दिवाली मनाई गई थी, है ना। तो इस तरह से भाई देख सकते हो यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे भाई रावण, बड़े बड़े रावण आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह से, ये देखो, है ना। वहाँ से भाई जो मैंने आपको दुकान बताई है वहाँ से अगर आप यहाँ तक आते हो तो रावण आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। और चलते हैं, और भाई आप ये देखोगे बिल्कुल आगे तक ये बिल्कुल मार्केट लगती है, लेफ्ट में भी वहाँ पे मार्केट लगती है, वहाँ पे भी चलेंगे हम, वहाँ पे आपको छोटे रावण मिल जाते हैं, बड़े आपको चाहिए तो बड़े यहाँ पर मिल जाते हैं, है ना। तो एक भाई साहब रावण ये लेटे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से भाई रावण आपको चाहिए तो छोटे साइज में आपको चाहिए तो ये भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, बड़े साइज में चाहिए तो ये भी मिल जाएंगे भाई। ये देखो हमारे को एक और देखने को मिले रावण यहाँ पर, है ना, ये भाई इस तरह से मिल जाएंगे। भैया कितने फुट है ये? 35 फुट है ये भाई, 35 फुट है, ठीक है, 35 फुट, हमने आगे 40 फुट देखे थे, ये 35 है, कोई 30 होता है। रेट जो है 500 रुपये फुट रहता है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे भाई आ सकते हो लेने के लिए, 500 रुपये फुट रेट रखा हुआ है इन्होंने। रेट कम भी करते हो भैया इसमें? कुछ गुंजाइश हो जाती है ना अगर कोई आता है लेने के लिए। अगर भाई आप ये देखो लेने आते हो रावण, ठीक है, तो 500 रुपये फुट है इनका रेट, बाकी गुंजाइश जो होगी वो आपके लिए कर देंगे। बाकी भाई ये देखो पार्क के अंदर ये बना बना के रखते हैं ना रावण, ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। और चलते हैं आगे, देखने को मिले भाई हमारे को रावण, है ना, इस तरह के रावण आपको चाहिए, छोटे चाहिए आपको छोटे भी मिल जाएंगे, है ना। ये भाई छोटे अगर आप जलाते हो, छोटे लेना चाहते हो, है ना, कम बजट है तो उसके हिसाब से, जैसे बचपन में हम बनाया करते थे छोटे छोटे रावण बनाया करते थे, मेहनत करते थे बनाने में, तो आजकल बच्चों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आइए और छोटे छोटे रावण भी लेके जाइए। 40-45 फुट में आपको रावण ये मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरह के रावण आपको चाहिए ये आपको मिल जाते हैं। अगर आप रावण वगैरह लेते हैं यहाँ से तो ऐसे पैक वैक करके आपके लिए भेजा जाता है जहाँ पे भी आपका एड्रेस वगैरह होगा। तो कहने का मतलब भाई यही है, यहाँ पे आपको रावण मिल जाते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर आते हो रावण लेने के लिए, 500 रुपये फुट रेट रहता है इनका, 500 रुपये फुट के हिसाब से आपको यहाँ पे रावण वगैरह मिल जाएंगे, छोटे से छोटे बड़े से बड़े अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हो रावण ले सकते हो। बाकी और आगे दिखाता हूँ मैं आपको कैसे कैसे रावण यहाँ पर मिलने वाले हैं, छोटे या बड़े जैसे भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर आके ले सकते हो। आगे देखते हैं छोटे वाले रावण आप। तो भाई और हम आगे आए हैं यहाँ पे, भाई आपको देखो जैसे मैंने आपको बताया, छोटे वाले भी आपको बताता हूँ, छोटे अगर आपको चाहिए बच्चों के लिए चाहिए तो वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। भैया ये जो आप सजा रहे हो कितने का है ये? 3500 रुपये का अपना भैया, मतलब रावण का हिसाब है या फुट का हिसाब है? बस मेहनत का हिसाब है। अच्छा भाई, छोटा हो या बड़ा हो इनकी मेहनत का हिसाब है इनके, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 500 रुपये फुट है या 1000 रुपये फुट है, ऐसा नहीं है ना, जैसा रावण होगा इसके हिसाब से पैसे लेंगे। ये वाला 3500 का बता रहे हो आप? ये 3500 का बता रहे हैं भैया हमारे, ठीक है। अगर भाई आपको ये छोटे छोटे चाहिए ये भी आपको मिल जाएगा। ये कितने के भैया? 350 रुपये के। क्या बात है भाई, देखो बच्चे अगर भाई लेना चाहते हैं यहाँ पर आ सकते हैं, 350 रुपये के आपको ये मिल जाएंगे। और ये भैया छोटे वाले जो है 150 रुपये के, ये भाई 150-150 रुपये के आपको मिल जाएंगे, पानी की बोतल जैसे, है ना, पानी की बोतल जैसे रावण आपको चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएंगे 150 रुपये के। और भाई अलग अलग आपको ये वाले भैया, अच्छा 150 के ये भी, और ये जो है, अच्छा 550 की रेंज में। ये देखो भाई धड़ इसका नीचे है भाई, है ना, ऐसे भाई आपको देखने को मिलेगा ये 550 का भैया ये वाला बता रहे हैं। और भैया ये बड़ा वाला कितने का है?
1100 रुपये का। ये भाई 1100 रुपये का आपको ये भी मिल जाएगा, बाकी और भी भाई आपको देखो देखने को मिल जाएंगे। ये लुंगी वाले भी हैं क्या भाई अपने पास? लुंगी वाले कितने के हैं ये? अच्छा भैया लुंगी वाले कितने के दे रहे हो आप? ये सस्ते हैं, कितने? 650 का। ये देखो भाई लुंगी वाले अगर आपको चाहिए भाई रावण, तो इस तरह के मिल जाएंगे आपको मात्र 650 रुपये के। बाकी आप ये देख सकते हो सारे आपके ही हैं ये वाले। अच्छा ये वाले आप, ये वाले जो है भाई इनके हैं भाई साहब के, ठीक है। इसमें छोटे छोटे आपको चाहिए ये आपको मिल जाएंगे। ये कितने के छोटे वाले? 250 के 150 तक मिल जाएंगे। अच्छा ये वाले 500 तक मिल जाएंगे। अच्छा ये छोटे वाले जो है 250-150 रुपये के हैं, है ना, और ये जो है 500 रुपये के हैं। ये आपको मिल जाएंगे भाई लुंगी वाले जो है ना, ये आपको मिल जाएंगे 650-500 रुपये के। आ सकते हो भाई इस तरह के रावण आपको चाहिए रेडीमेड बने बनाए, है ना, यहाँ पर आके ले सकते हो हमारे भैया से। मेट्रो स्टेशन टैगोर गार्डन से उतर के अगर आप भाई चलोगे मतलब ये द्वारका की तरफ, उत्तम नगर की तरफ, ये देखो है ना, तो ये बिल्कुल आपको लेफ्ट में दिख जाएंगे हमारे भाई साहब। यहाँ पर आपको रावण मिल जाते हैं बहुत ही सस्ते सस्ते, है ना। पूरी मार्केट ये सुभाष नगर तक जाती है, तिलक नगर तक मार्केट जाती है, सुभाष नगर तक भाई, है ना। आ सकते हो आप, चलते हैं और देखते हैं आगे, देखते हैं हम यहाँ पर हमारे को कैसे कैसे रावण देखने को मिलते हैं। सामने भाई देख सकते हो, है ना, वो देखो सामने आपको देख रहे होंगे ये भाई, इतने सारे रावण आपको देखने को मिलेंगे, छोटे बड़े सारे हर तरह के रावण आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, है ना। तो इनका रेट वगैरह पता करते हैं थोड़ा बहुत कि इनका क्या रेट होने वाला है। ये देखो भाई रावण आपको बढ़िया बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये भाई 1100 रुपये का आपको रावण ये वाला मिल जाएगा, और काफ़ी आपके पास रावण है ना। स्टार्टिंग प्राइस क्या है, शुरुआत क्या है? अच्छा कितने रुपए से शुरुआत हो जाती है अपने पास रावण की? अच्छा कम से कम 600-700 रुपये का मिल जाएगा अपने पास, है ना। 600 वाला कौन सा बताओगे एक बार? अच्छा आगे जो है ये भाई, ये जितने भी आप देख रहे हो आगे, है ना, ये सारे है ना, ये सारे जितने भी हैं ये सारे 600-600 रुपये के हैं। अच्छा वो तो अद्भुत बना दिया आपने। वो वाला कितने का है, वो बड़ा वाला? 5000 का। अच्छा वैसे कोई लेने अगर आएगा आपके पास वीडियो देख के तो कितने का दोगे? 200 रुपये कम कर देंगे। कम कर दोगे तो भाई गुंजाइश आपके लिए कर देंगे, ठीक है। इस तरह से भाई आपको रावण मिल जाते हैं हमारे अंकल जी के पास, आ सकते हो। 600 रुपये के रावण शुरू हो जाते हैं और 1000-1200-1100 रुपये ऊपर बढ़ते जाते हैं। जैसे भाई साइज बढ़ेगा उसके हिसाब से पैसे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ये बड़े वाले भी अपने ही होते हैं? अच्छा बड़े आदमी हो गए, तो भाई इस तरह के रावण आपको मिल जाए। भैया कितने के दे रहे हो आप रावण? ये रावण मतलब 800 से लेके 900 हजार रुपये का रावण मिल जाएगा, है ना। तो ये देखो सारे रेंज सबकी यही है, 800-900 हजार रुपये। अलग अलग भी प्राइस है, अलग अलग प्राइस है। 1500-1600 वाले भी है। 1500 वाला कौन सा एक बार बताओगे? वो जो मैडम बता रही है। अच्छा जो हमारी दीदी भाई देखो काम कर रही है उस पर, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 1500 रुपये का, ठीक है। इस तरह से वाले पड़े हैं सारे 1500-1600। अच्छा जितने भी पीछे जो हैं सारे मुकुट वाले हैं ना, वो पड़े हैं। ये टोपी वाले रावण भी हैं, वो टोपी वाला। क्या बात है भाई, देखो अंपायर की टोपी वाले रावण भी बना दिए हमारे भैया ने, है ना। अंडरटेकर नाम दे दिया इनका, अंडरटेकर। तो कितने का है ये? 1000 रुपये का। ये भी 1000 रुपये का? ये भी भाई आपको 1000 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, यहाँ पे मार्केट में आपको 150 रुपये से लेके 300-350-600 रुपये का मिल जाता रावण। अच्छा छोटा वाला चाहिए भाई इस तरह का, देखो आपको ये मिल जाएगा 300-350 रुपये का। 300-350 रुपये का। इसमें भैया बम बम लगा के देते हैं हम, क्या करते हैं? बम लगाने पड़ेंगे खुद खरीद के बाद। अच्छा बम खुद ही लगाने पड़ेंगे, और बम वगैरह तो बैन हो रहे हैं। छोटी मोटी मार्केटों में मिल जाते हैं भाई रावण के लायक आपको बम मिल जाएंगे जलाने के लिए। तो आप यहाँ पर आ सकते हो और रावण को लेके जा सकते हो, बम खुद लगा सकते हो। बम कोई नहीं लगा के देता भैया यहाँ पर, छोटे बड़े में किसी में भी नहीं, मतलब आप यहाँ पर लेके जाओ बस बम खुद लगाओ। क्या बात है भाई, देखो बम भाई खुद ही ले मतलब लगा सकते हो आप, बाकी यहाँ पर लेके जा सकते हो। इस तरह के बड़े बड़े रावण आपको चाहिए मिल जाते हैं। बड़े वाले कितने के होते हैं भैया? बड़े वाले तो भाई स्टॉपर वो सामने वाले हमारे छोटे छोटे। अच्छा आपके छोटे होते हैं भाई, इनके जो है भाई सारे छोटे छोटे होते हैं। बड़े वालों का प्राइस यही होता है 500 रुपये फुट होता है ना, 500 रुपये फुट बड़े वालों का प्राइस होता है। बाकी आप यहाँ पर आ सकते हो लेने के लिए। इस तरह के भाई अगर आपको चाहिए रावण मिल जाते हैं इस मार्केट के अंदर। मार्केट जो है ये भाई टैगोर गार्डन से सुभाष नगर तक लगती है, है ना। सुभाष नगर तक जाती है ना मार्केट, सुभाष नगर तक जाती है। आप यहाँ पर आ सकते हो, रेड लाइट से इस रेड लाइट है ना, रेड लाइट से इस वाले रेड लाइट तक ये मार्केट लगती है, ठीक है भाई। आप यहाँ पर आ सकते हो, चलते हैं और देखते हैं आगे मार्केट में हमारे को क्या मिलता है। स्ट्रक्चर जो है भाई इस तरह से, ये स्ट्रक्चर ऐसे तैयार होता है, ठीक है ना। ऐसे पहले स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसके बाद उसमें भाई पेंट वेंट करना, कागज़ लगाना, बहुत सारी मेहनत का काम तो खैर होता ही है।
इनका भाई मेहनत का काम है, इसलिए मेहनत के पैसे लेते हैं आपसे। ये देखो स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होता है। बाकी ये पहले भाई लकड़ी से पहले इससे काम करते हैं, है ना, पत्तियों से ऐसे काम करते हैं, ये बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो भाई देखिए आपने वीडियो आई हो, वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो लाइक फॉलो कर देना। बाकी भाई हमारे पाजी यहाँ पर हमारे को मिले हैं, बहुत ही प्यारे पाजी। क्या नाम इनका चैनल है भाई यूट्यूब पे, किस नाम से पाजी? मेरा चैनल का नाम है शाइन टू ट्रैवल। शाइन टू ट्रैवल के नाम से भाई इनका चैनल है, कि जाओ विजिट करो इनके चैनल पे और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है ना। वीडियोस पाजी कैसे बनाते हैं देखो, कमेंट करो, ठीक है। ठीक है पाजी, थैंक यू पाजी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।